नमस्कार दोस्तों, आवर ब्रेन आवर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ के ऊपर बात करना चाहेंगे। हेल्थ एक ऐसा विषय है जिस पे सब लोग फिट तो रहना ही चाहते हैं। मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला कोई जो है कि मैं फिट नहीं रहना चाहता। और उस फिट रहने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं अपना, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, और कभी कभी ये तो वो हो गए जब हम सिम्टम आ जाते हैं हमारे पास, हम उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं शरीर का वेट ना बढ़े, शरीर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, शरीर के अंदर डायबिटीज़ ना हो, और इन सब के लिए हम जिम जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, करने भी चाहिए। पर कभी कभी हमने सोचा है बैठ के, कभी हम अपने माइंड को भी ट्रेन करते हैं कि वो बीमारियों को अडॉप्ट ही ना करें। सोचिए अब इस पे आते हैं, हम अडॉप्ट करें ना करें, कैसे करें। मेरे पास कुछ लोग आते हैं तो वो कहते हैं मेरे को तो गुस्सा आ गया, मेरे को तो बहुत स्ट्रेस होता रहता है। भाई ये ऐसी चीज नहीं है कि हमें खाना खाना है, हमें भूख लग गई कि नहीं, हमें खाना ही है, मजबूरी है हमारी। गुस्सा करते हैं पहले तो आप ये मानने लगे, स्ट्रेस आप लेते हैं, करेक्ट। आप डिप्रेशन में खुद जाना चाहते हैं क्योंकि आप पास्ट में जीते हैं। आप एंग्जाइटी में खुद बियर करना चाहते हैं क्योंकि आप फ्यूचर में जीते हैं, जबकि हमारे माइंड को स्टेबल रखने के लिए हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। पर क्या हम ऐसा कर रहे हैं, आपके लिए सवाल है। अब हम फ्यूचर में जाते हैं या पास्ट में जाते हैं, सिंपल भाषा में डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी हो गई, और हम क्या अपने माइंड के लिए कोई प्रिवेंटिव कर रहे हैं। आप लोगे, आप देखोगे कि लगभग 20% जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारा माइंड ही ले लेता है और सब कुछ कंट्रोल करता है। और यही एक वो हार्डवेयर है ब्रेन और सॉफ्टवेयर है माइंड, जो अगर सही काम ना करें तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो जैसे हम बाकी चीज़ें सोचते हैं करते हैं, हमें इसकी लिए भी कुछ काम करना चाहिए ताकि हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, माइंड उसको ले ही ना। अभी तक हम सोचते हैं मेरे को हो गई डायबिटीज, हो गई क्योंकि मेरे तो पेरेंट के बाद थी ना डायबिटीज, हम करते हैं ये बात। अरे ये किसने कहा, अगर आपने सोच लिया कि नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन आप उस माइंड को उतना स्ट्रांग तो करो। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप कोई प्रिवेंटिव कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आज से करिए, मेरा सजेशन है। उस पर काम करिए साइकोलॉजिकली और आप देखेंगे आप जो सोच रहे हैं वैसा होता है। और ये आज से नहीं है, पता नहीं कितने सालों से ऐसा चला आ रहा है। एक छोटा सा मेरे को याद आ गया वाक्या, एक बार राजा भोज ने कालिदास को मूर्ख बोल दिया, उसको बहुत चुभ गई। उन्होंने क्या बोला, कतम न सोचामि कृतन न मन्ने किम कारणम भोज भवामि मूर्ख है। ये राजा भोज, मैं जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करता, और किसी पे एहसान कर दिया तो मैं परोपकार वापसी की भी चिंता नहीं करता। ये एंग्जाइटी भी क्रिएट करता है, मैंने उसका ये काम किया, उसने मेरा ये काम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंग्जाइटी आ गई आपको, मैं किस कारण मूर्ख हूं। तो ये तो हम साइकोलॉजी की बात हमारे देश में पता नहीं कब से चली आ रही है, लेकिन जब जब हम इसको भूल गए हैं, जब जब हमने अपने माइंड पे काम करना बंद कर दिया है, तो हम बीमारी की तरफ ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग आज वापस से इसी चीज पे काम करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है माइंड ही इन्वेंटर है, ही क्रिएटर है सारी बीमारियों का। अगर उसने सोच लिया कि आपको बीमार नहीं होने दूंगा, यकीन मानिएगा आप बीमार नहीं होंगे। आपने सुना होगा कई लोगों से मेरे को चिकन पॉक्स हो गया, एक बार तो होता ही, क्योंकि हमारी बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ा देती है, उसका दोबारा नहीं होता। लेकिन क्या आपके माइंड ने ये अडॉप्ट कर लिया कि एक बार होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको होता ही नहीं लाइफ लॉन्ग, किसी किसी ने अडॉप्ट कर लिया कि नहीं मेरे पेरेंट को शुगर थी मुझे भी शुगर हो जाएगी, और सबसे बड़ी समस्या वेट की।
हमारे माइंड को बचपन से हमने सिखाया भाई तूने कुछ लूज ही नहीं करना, अब आपने उसको सिखा दिया भाई तूने कुछ लूज नहीं करना, तो वेट कैसे लूज करेगा वो, जाओ जिम में, आप देखोगे 5-7 किलो वजन कम होने के बाद तुरंत वापस आ जाएगा भाई। आपको पहले उसको समझाना पड़ेगा कि मेरे को वेट लूज करना है, लूज की बजाय मेरे को स्लिम बनना है, मेरे को सुंदर दिखना है, उसको समझाना पड़ेगा एक बच्चे की तरह, और आप देखना वो आपकी पूरी बॉडी को चेंज कर देगा, यकीन मानना एक बार करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगेंगे। और अगेन आपके पास कोई क्वेश्चन हो हमारे लिए, आपके पास कोई डिस्कशन हो, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम जरूर उसका जवाब देंगे। आवर ब्रेन आवर लाइफ को आप सब्सक्राइब करें, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर योर हेल्थ फॉर योर सेफ्टी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।